वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे लेजेंड्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि लेजेंड्स क्या हैं, अगर आपने ग्राफ्स वगैरह पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो यार देखो, लेट्स से हमारे पास में एक कंपनी का डेटा हमारे पास में अवेलेबल था। अब हमारे पास में एक और कंपनी आ गई है, ठीक है, लाइक से एक्स टू, सेम डेट्स हैं उसके पास में भी, 2001, 2002, 2003, 2004, ओके। लेकिन जो उसका डेटा है वो थोड़ा सा अलग है, लाइक उसके पास में यहाँ पे है ऊपर कितने ख़त्म हो गया, 2000 पे, ओके। उसके पास में है 3000, देन उसके पास में है 2500 करोड़ की बिक्री हुई है, नॉट 300, इट्स 3000, ओके। देन दे हैव 1200 अगेन, और उसके बाद उसके पास में है कुछ 2800, समथिंग लाइक दैट। तो अब इसको भी हम प्लॉट कर देते हैं, PLT डॉट प्लॉट एक्स टू वाई टू, ओके, रन किया। फिर देखो दोनों अलग अलग कलर में शो हो रहे हैं। ये एक्स कंपनी के लिए है, सॉरी हमारी कंपनी वन के लिए हो गया, ये हमारा कंपनी टू के लिए हो गया, राइट। तो दोनों के कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, हमें कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन सा कंपनी वन का है, कौन सा कंपनी टू का है। अगर यहाँ पे छोटा सा शो हो जाए लिख के कि ये कंपनी वन की लाइन है ये कलर की और ये कंपनी टू की लाइन है, ठीक है, तो कैसा रहेगा, उसे हम बोलते हैं लेजेंड्स, ओके। तो आपको उसके लिए करने के लिए जस्ट यहाँ पे देना होगा कॉमा लेबल, लाइक कंपनी वन, ओके। यहाँ हम जाके दे सकते हैं लेबल कंपनी टू, और यहाँ पे जाके हम कॉल कर देंगे लेजेंड को, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, तो यार देखो कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली हुआ यहाँ पे आके हुआ, ठीक है। तो कंपनी वन हमारी है ब्लू लाइन में, कंपनी टू हमारी है ऑरेंज लाइन में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लेजेंड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, बाय बाय।